हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शुभम पाल और मैं आज आपके लिए नया वीडियो लेके आया हूँ रैबिट से रिलेटेड। पिछले वीडियो में काफ़ी लोग ने मुझे कमेंट सेक्शन में काफ़ी चीज़ें पूछे, तो मैं दो तीन क्वेश्चन के आंसर देने जा रहा हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि रैबिट की एज कितनी होती है, पहले मैं उसका आंसर दूँगा और दूसरा कि वो कब बच्चे देना स्टार्ट करते हैं, और तीसरा क्वेश्चन था कि वो मतलब कब उसका एज ख़त्म होता है और कब वो बच्चा देना बंद कर देते। तो इस वीडियो में आपको मैं सब बताऊंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और बने रहिए मेरे वीडियो के साथ। तो पहला मैं आपको बता दूं कि रैबिट की एज ज़्यादा 7 से 8 साल होती है। 7 से 8 साल बाद उसकी डेथ हो जाती है, मतलब मर जाता है वो, जैसा आप समझिए 7 से 8 साल ज़्यादा वो जीता है। और किसी की केयर नहीं की जाती तो ज़्यादा जल्दी 4 से 5 साल में डेथ हो जाती है उसकी। पहले क्वेश्चन को तो मैंने ऐसे ही समझा दिया क्योंकि वो सिंपल क्वेश्चन था, और दूसरा क्वेश्चन का आंसर मैं डिटेल में दे रहा हूँ, तो ध्यान से सुने। मैं बताऊँगा आपको रैबिट ब्रीडिंग कैसे और कब स्टार्ट होती है। तो पहले मैं आपको बता दूँ, रैबिट 3 टाइप के होते हैं। पहला स्मॉल कैटेगरी के होते हैं, दूसरा मीडियम और तीसरा हैवी या लार्ज के। तो स्मॉल में अंगूरा और फैंसी वगैरह रैबिट आते हैं, ये सारे 1-2 किलो तक का इन लोग का वेट जाता है, और इन लोग करीब ज़्यादा 6 से 8 महीने तक ब्रीडिंग चालू कर देते हैं। और मीडियम वाले का ज़्यादा 10 से 12 महीना लगता है, और लार्ज में क्या एकदम जाइंट रैबिट्स आते हैं जो इंडिया में नहीं इंपोर्ट होते हैं ज़्यादातर, पर बाहर गांव में सब पाए जाते हैं, इन लोग को 10 से 12 महीना लगता है। और तीसरा क्वेश्चन का मैं आंसर दे दूं कि कब तक लास्ट लास्ट, तो वो अपने एज के लास्ट लास्ट तक बच्चे देते हैं।